नायलॉन जिपर, बकल्स, लेस, सेफ्टी पिन की तरह एक फास्टेनर है। इसका उपयोग बैग को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। नायलॉन जिपर मुख्य रूप से पतलून, पैंट और बैग में पाया जाता है। नायलॉन जिपर धातु जिपर की तुलना में अधिक लचीला टिकाऊ होता है। जिपर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक जिपर, मेटल और इनविजिबल जिपर। नायलॉन जिपर का उपयोग गारमेंट, पैकेजिंग, स्पोर्ट इंडस्ट्री में किया जाता है। बदलते जीवन और बढ़ती लोकसंख्या की वजह से कपड़ों की मांग बढ़ रही है। इन कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले फास्टेनर भी मार्केट में लोकप्रिय हो रहे हैं। इसलिए आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए ला रहा है नायलॉन जिपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक डॉक्यूमेंट्री। रॉ मटेरियल स्ट्रिंग यानी टेप और टीथ की असेंबली। स्लाइडर का इस्तेमाल चेन चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। टैप और स्लाइडर को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट एंड मशीनरी, जिपर मेकिंग मशीन, जिपर कटिंग एंड स्लाइडर असेंबली मशीन। प्रोसेस, सबसे पहले फिलामेंट को जिपर मेकिंग मशीन में फीड किया जाता है। उसके बाद इस फिलामेंट टेप के साथ चेन असेंबली भी कर दी जाती है। उसके बाद स्लाइडर ज्वाइन किया जाता है और ज़रूरत के अनुसार उनको कट किया जाता है। ये कट किए हुए जिपर्स को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने नायलॉन जिपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल की। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।